लर्निंग टेक्निकल्स 777 पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों जब हम लोग कभी शॉपिंग करने जाते हैं, स्पेशली किसी मॉल में, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग शॉपिंग करने के बाद जब पेमेंट रिसीविंग टर्मिनल्स पे जब हम लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ पे हमें पेमेंट करने के लिए या तो कैश देना होता है या तो हम लोग एटीएम कार्ड अपना यूज़ करते हैं, यानी डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत सारी, मान लीजिए आपने कैश नहीं दिया, आप डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की मदद से अगर आप पे करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने कार्ड को स्वाइप करना होता है। उसके अलावा आपको बहुत सारी उसमें डिटेल्स डालनी होती है, जो आपका पासवर्ड होता है, ठीक है, पासवर्ड डालने में चोरी वगैरह होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि आप किसी दूसरे के हाथ में जो डिवाइस है उसके अंदर आप डाल रहे होते हो, तो थोड़ा सा खतरा रहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, आपका जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन से जैसे ही आप उस डिवाइस को सिर्फ टच कराएंगे, एक बार टच कराने के बाद आपके फोन से जितना बैलेंस उनको चाहिए था वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन में मिलेगी, या फिर उस पेमेंट रिसीविंग टर्मिनल जो डिवाइस है वहां से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, प्रूफ मिल जाएगा। दोस्तों एक टेक्नोलॉजी होती है NFC, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी आपके फोन के अंदर है कि नहीं है, इसको आप चेक करेंगे, कैसे करना है अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और नहीं है तो हो सकता है आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते रहते हैं, हो सकता है वो आ सकती है बाद में, या हो सकता है किसी किसी फोन में वो NFC टेक्नोलॉजी नहीं होती है, एनेबल्ड नहीं होती है, राइट। सैमसंग के फोन्स में होनी चाहिए, क्योंकि सैमसंग पे एक टर्मिनल होता है जहाँ से आप किसी भी पेमेंट रिसीविंग टर्मिनल्स पे अपने पेमेंट कर सकते हैं, सिंपल है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप अपने फोन को एक बार जैसे ही टच कराते हैं किसी भी डिवाइस से, ऑटोमेटिक आपके पेमेंट हो जाती हैं। एक कंडीशन है यहाँ पे कि आपके फोन के अंदर की जो डिटेल्स हैं, वो फोन के अंदर की डिटेल्स नहीं, बेसिकली जो पेमेंट डिटेल्स हैं जिस ऐप को आप यूज करके पे करना चाहते हैं उसके अंदर वो सेव होना चाहिए। अब आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आप गूगल पे यूज करते हैं, या चलिए मान लीजिए आप पेटीएम यूज करते हैं, तो पेटीएम के लिए आप जब आपके पास एक 4 डिजिट का कोड होता है, उस 4 डिजिट के कोड को जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं होता है, सीधे सीधे आपके ना आपके अकाउंट से सीधा सीधा बैलेंस उनके खाते में पहुंच जाता है और आपको रिसिप्ट मिल जाती है। कैसे करना होता है बेसिकली NFC टेक्नोलॉजी की मदद से पेमेंट को, सबसे पहले आप अपने फोन की एप्स को खोलिए और उसमें चलते हैं हम लोग सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे, सेटिंग्स को क्लिक करके, तो उसके आपको सबसे ऊपर आपको कनेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। कनेक्शन को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको फिर से NFC पेमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे जरूर मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो ये भी हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी आपके फोन के अंदर नहीं है, राइट। हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, अपडेट अगर आप करते रहेंगे तो हो सकता है कि ये वर्जन, ये जो फीचर है आपके फोन में आ जाए, राइट। और नहीं भी हो सकता है, ये भी होता है किसी किसी फोन में, राइट। NFC एंड पेमेंट्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे NFC एंड पेमेंट का एक टॉगल आ जाता है जहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ऑफ किया गया है, राइट, ऑफ किया गया है। आप चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। आपको पेमेंट करनी है तो यहाँ से आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के ठीक बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा, फिर नीचे आपको एंड्रॉयड बीम का भी एक ऑप्शन दिखेगा। एंड्रॉयड बीम वाले ऑप्शन के ऊपर आपको एनेबल करना होगा। यहाँ से जब आप एनेबल कर देते हैं, उसके बाद आपको टैप एंड पे का एक नीचे वाला ऑप्शन जो दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना है। एंड उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने फोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर जितने भी मोड ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, सैमसंग पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं,
जो भी आप प्रोसेस यूज करते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे आपको सामने शो होंगे, और उसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे वही उसी से आपकी पेमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गूगल पे को सेलेक्ट किया, तो गूगल पे की मदद से मेरी पेमेंट हो जाएगी। ये कंडीशन है कि गूगल पे के अंदर मेरी पेमेंट डिटेल्स पहले से होनी चाहिए, राइट। सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट का एक कोड हमें डालना होता है, उसको हमने जैसे ही डाल दिया 4 डिजिट का कोड, कोड डालने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपने फोन को उस डिवाइस के साथ में सिर्फ टच कराना है। जी हाँ, एनएफसी टेक्नोलॉजी जो है नियर फ्यूचर, सॉरी नियर फ्यूचर नहीं है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी को बोलते हैं, मेरी गलती से मुंह से निकल गया था फ्यूचर, एनएफसी, ठीक है। तो एनएफसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप ये सारे काम कर पाते हैं, और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली बहुत कम डिस्टेंस पे काम करती है। जैसे आपका ये स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन से दूसरा एक स्मार्टफोन बिल्कुल 4 सेंटीमीटर या उससे कम डिस्टेंस पे अगर होगा, मान लीजिए वो टच होगा, ठीक है, तभी ये टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इसके अलावा, एनएफसी पे के अलावा, इसके और भी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, जिसको आपको डिटेल में इसके ऊपर और मैं रिसर्च करूंगा, ढूंढूंगा, तलाशूंगा, उसके बाद आपको डेप्थ में बताऊंगा कि इसके और क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको यही समझाना था, बताना था कि ऐसा भी होता है, ऐसी भी कोई चीज है, राइट। उम्मीद है कि आपको ये चीज पहले से नहीं पता थी और आपको पता चल गई, और आपको अगर पहले से पता थी तो अच्छी बात है, वेरी गुड। एंड तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और आपको कुछ पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हैं। आपने बहुत कीमती समय दिया इसको देखने और समझने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।